हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबकी? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से कल का एंड किया था। मैं ग्रॉसरी करके सारा सामान घर पर ड्रॉप करके आ गई हूँ जिम। अगर आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं कंटिन्यूटी के लिए। तो चले देखो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम डन विद द जिम और काफ़ी सारी थकन हो गई यार आज। वैसे भी ना यार आज जिम आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, काफ़ी हैक्टिक रूटीन चल रहा था। बट क्योंकि मैं 3 दिन बीच में जिम नहीं गई हूँ सो इसलिए मैं आज आई, अपने आप को पुश किया। और यार जो लोग हिजाब में जिम करते हैं ना, कुडूस टू देम। समर्स हैं और गर्मी में हिजाब में एक्सरसाइज करना इट्स नॉट ईजी, बस अल्लाह हिम्मत दे मुझे। खैर मैं जिम वगैरह करने के बाद अभी यहाँ चेंजिंग रूम में आई थी फ्रेशन अप होने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये फीमेल चेंजिंग रूम है, लाइक आप एक्सरसाइज करके आएँ, अगर यू वांट टू टेक शावर तो आप यहाँ शावर वगैरह भी ले सकते हैं, हेयर ड्राई वगैरह भी कर सकते हैं। ये रही मैं, चलें घर चलते हैं जल्दी से। घर जाके मैंने ग्रॉसरी वगैरह भी जगह पे रखनी है। तो ये थोड़ी सी ग्रॉसरी मैं बनानास लेकर आई हूँ। ब्लूबेरीज हैं, रेड ग्रेप्स हैं, ये पेयर्स हैं, लेमन हैं, फिंगर चिलीज हैं, इसके बगैर तो मेरा कोई खाना ही नहीं होता। इसके अलावा ये कोरिएंडर है, ये बड़ी वाली मिर्ची होती हैं जो आप सालन वालन में डाल देते हैं। एंड दिस इज़ पुदीना। एग्स हैं, 2 लार्ज एग्स हैं यानी कि 12 एग्स हैं। अच्छा उसके अलावा ये ऑरेंजेस हैं, ब्रेड है, ये हैं जी टोमेटोज। इसके अलावा फ्लैट पीचेस हैं, ये रेडिश, एंड ये हो गए एप्पल। और ये मैं देसी शॉप से पालक लेकर आई हूँ, देसी पालक। सो इरादा है कि इस वीक मैंने पालक चिकन बनाना है। सो अब ये ग्रॉसरी जल्दी से जगह पे रखते हैं। जिम से बड़ी एग्जॉस्ट होकर आई हूँ बट काम तो करना है, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। ग्रॉसरी रखते टाइम मुझे याद आया कि मैं वाटरमेलन भी लाई थी, लेकिन जिम जाने से पहले मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। अब मैंने ग्रॉसरी रखने से पहले सबसे पहले इसको कट करके रखा ताकि मैं इसको इन्जॉय भी कर सकूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए। जिम से वैसे ही एग्जॉस्ट होकर आई थी और सुबह से ही निकली हुई थी, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था। अभी शाम के 5 बज रहे थे तो बस मैं फटाफट इसको काटूंगी, ग्रॉसरी वगैरह जगह पे रखूंगी। यहाँ पे ना वाटरमेलन काफी अच्छा मिलता है, जो मॉरकन वाटरमेलन है वो बहुत मजे का होता है। इनफैक्ट इस बार जो मैं पाकिस्तान गई थी तो मुझे पाकिस्तान का मेलन सरप्राइजिंगली इतना अच्छा नहीं लगा। वैसे मोस्टली पाकिस्तान के सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं मगर आई थिंक मेलन वाकई लंदन का बहुत मजे का है। आई डोंट नो ये यूके वगैरह के और पार्ट्स में मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन इंग्लैंड में मॉरकन वाटरमेलन बहुत ईजिली मिल जाता है और ये वाकई बहुत रिफ्रेशिंग और मजे का होता है। और ये इतने बड़े साइज का होता है ना, ये मैंने हाफ का भी हाफ लिया था उसके बाद भी ये इतना जाइंट साइज था। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि वाटरमेलन को ज्यादा रख के ना खाया जाए, इसलिए मैंने आज लाके काट के रख दिया है। अब थोड़ा अभी मैं एंजॉय कर लूंगी, बाकी हस्बैंड आके एंजॉय कर लेंगे तो हमारा ये आज ही के दिन कंज्यूम हो जाएगा। क्या आप लोग भी वाटरमेलन के ऊपर नमक डाल के खाते हैं मेरी तरह? मुझे तो बहुत मजे का लगता है। वैसे इसमें काला नमक डालते हैं लेकिन मैंने अभी नॉर्मल व्हाइट नमक ही डाला था, ट्राई कीजिएगा बहुत मजे का लगता है। वाटरमेलन एंजॉय किया, उसके बाद मैंने आधा घंटा रेस्ट कर लिया था, फोन वगैरह स्क्रॉल किया और फिर मैं वापस काम पे लग गई थी अपने। सबसे पहले जो ये ग्रॉसरी आई है वो जगह पे रखी जाएगी। अगर आपके घर में भी हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं तो उनको ऐसे फ्रिज में रखना शुरू करें, बहुत टाइम तक चलती रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जितनी भी हरी मिर्चें उनके डंठल यानी कि जो ऊपर की डंडी स्टेम्प जो भी बोलें उसको आप निकाल दीजिए और उसके बाद वॉश करके सुखा के टिश्यू पेपर में ऐसे करके बॉक्स में रख दें। गीला लेकिन बिल्कुल भी इनको नहीं रखना है। मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही इनको तोड़ के रख दिया है, यूज़ करते हुए इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। इतनी लंबी लाइफ हो जाती है ना ऐसे हरी मिर्चों की। और आज ही मैंने
अपना फ्रिज भी डीप क्लीन किया था, तो इसलिए दिल कर रहा था सब कुछ अभी सॉर्ट आउट करके ही रखूं, चाहे टाइम है या नहीं है या थकन है जो भी है, फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके ही रखूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा मैंने फ्रिज कैसे डीप क्लीन किया था तो आप लोग मेरे इससे पहले वाला व्लॉग देख सकते हैं, चैनल के ऊपर होगा। आज ही के दिन का वो भी व्लॉग है, बस वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आधा दिन है और ये बाकी का आधा दिन। फ्रूट बास्केट मेरी यहाँ टेबल पे ही रखी होती है क्योंकि हमारा फ्रूट्स का वैसे भी इंटेक इतना ज्यादा है कि फ्रूट्स हमारे खराब हो ही नहीं पाते हैं, हम उनको जल्दी जल्दी ही कंज्यूम कर लेते हैं। सारा सामान रखने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये जो बास्केट है वो छोटी पड़ रही है, तो फिर मैंने एक और बास्केट के अंदर बाकी फ्रूट्स रख दिए थे। अभी रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब वीडियो के ऊपर देखा है, जो बेरीज आती हैं स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज ब्लैक बेरीज, ये बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, इनमें फंगस लग जाता है, एक या दो दिन के अंदर ये खराब होने लगती हैं। इसी से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख रही थी, तो एक टिप मुझे मिली जो बहुत फेमस है, आज ट्राई कर रही हूँ, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जितनी भी बेरीज है उन्हें ठंडे पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जो भी आप लोग बोलते हैं वो डाल के भिगो के रख दें 10 मिनट के लिए, बैक्टीरिया उससे रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आप उसे छान के साफ पानी से भी वॉश करें और टॉवल ड्राई करके या फिर आप उसको सुखाने के लिए छोड़ दें, और फिर इस तरीके से किसी एयरटाइट जार में करके बेरीज को रख दें। अगर ज्यादा बेरीज हैं तो फिर 2-3 जार्स बना लें ऐसे, कोशिश करें कि शीशे के जार्स हों, इस तरीके से इनकी लाइफ काफी लंबी हो जाती है। अब मैंने ये ट्रिक यूज करी है, आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि ये कितनी चली मेरी बेरीज और ये इफेक्टिव है या नहीं। बस मेक श्योर करें फ्रिज में जब भी कोई सब्जी या फ्रूट रखें तो वो अच्छे से ड्राई हुआ हुआ हो, गीला रखते हैं तो वो वैसे ही खराब हो जाता है। अब बारी आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज खाना थोड़ा लेट हो गया, आज की जो मेरी रूटीन थी थोड़ी सी टफ थी। सुबह से उठ के घर के डेली काम करने के बाद फ्रिज पूरा क्लीन किया, उसके बाद ग्रोसरीज भी लेने चली गई, फिर जिम चली गई, अब वापस आई तो सारी ग्रोसरी जगह पे रखी, इसलिए डिनर आज वाकई लेट हो गया, वरना मेरा मोस्टली दोपहर में ही डिनर रेडी हो जाता है। आज मैं बना रही थी हस्बैंड की फरमाइश पे ढाबा स्टाइल चना दाल। वैसे चने की दाल गोश्त भी बहुत मजे का लगता है, लेकिन आज उनका दिल था ढाबा स्टाइल चने की दाल खाने का, तो बस वही बना रही हूँ। हर किसी का अपना अलग स्टाइल होता होगा, बट मैं ऐसे बनाती हूँ। सबसे पहले ऑयल के अंदर मैंने जीरा, तेजपात पत्ता और जो मोटी साबुत मिर्च होती है वो डाल दी थी। बेसिकली जो मोस्टली आप लोग भगार का सामान डालते हैं वो सब मैंने डाल दिया था। इसको अच्छा सा थोड़ा पॉप आउट होने दूंगी, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दूंगी। अच्छा, वैसे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो दाल या सब्जी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, उसमें अगर ऐसे कूट के थोड़ा डालो ना मोटा मोटा सा, तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। वैसे भी हर चीज़ जो फ्रेश बनाई जाए उसका अपना ही अलग जायका है। अदरक लहसुन को मैंने ढक के 1-2 सेकंड के लिए रख दिया था, उसका अरोमा आ गया, तो मैंने इसमें ये क्रश्ड कीवी डाल दी थी। अनियंस मैंने 2 दरमियाने साइज की अनियंस ली थी, क्योंकि मसाला मैं थोड़ा ज्यादा बनाऊंगी, चने की दाल मसालेदार अच्छी लगती है। मिर्चे चाहे आप कम रखें, लेकिन जो मसाला होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। वैसे मैं पीस के भी डाल सकती थी, लेकिन पीस के डाल के एक अलग तरह का टेस्ट आता है, और अगर ऐसे बिल्कुल फाइनली क्रश्ड पीस डालो ना तो उसका अपना अलग टेस्ट आता है। मुझे थोड़ा जरा खड़ा खड़ा सा मसाला चाहिए था, बिल्कुल पेस्ट की तरह चीज नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें अनियन और टोमेटोज दोनों ऐसे हाथ से अच्छे से चॉप करके डाले हैं। और ये जो हैंड चॉपर है ना, ट्रस्ट मी, ये इतने मजे की चीज है, इससे मेरी लाइफ इतनी आसान हो गई है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर ये ना होता तो शायद मैं भी ग्राइंड करके ही डाल देती, मगर ऐसे बनाने से ना जो टेक्सचर आया था और जो टेस्ट आया था वो बहुत ही मजे का था। जब मेरी अनियन ब्राउन हो गई थी मैंने उसमें टमाटर डाल दिए थे, टमाटर थोड़े से भुने तो फिर मैं सूखा मसाला सारा डाल रही थी, जिसमें नमक, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च और मैंने धनिया पाउडर डाला था। मैंने इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर भी डाला था। बस इस सारे मसाले को आपस में अच्छे से भून लिया, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख दिया था, ताकि जो थोड़ी बहुत अनियन और टोमेटो को आपस में घुलना मिलना है, यक जान सा जो मसाले ने होना है वो हो जाए।
किचन में आए और बर्तन जमाना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किचन में पहला कदम रखने की देर है, बर्तनों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। बस जब तक मेरा मसाला थोड़ा भुनेगा, घुले मिलेगा, तब तक मैं हाथ के हाथ सारे बर्तन धो दूंगी। और ये लेसन भी ना मैंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद सीखा है। शादी से पहले कुकिंग तो मैं करती थी, लेकिन बर्तन धोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं थी। शादी के बाद पता चला कि बर्तनों में बरकत कितनी होती है। पहले मैं सोचती थी एक ही दफा खड़ी होंगी, सारे एक साथ वॉश कर लूंगी, लेकिन वो जो ढेर जमा होता है फिर उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब जब तक किचन में रहती हूँ, जैसे ही थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, हाथ के हाथ सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किचन में हूँ और खाना बना रही हूँ तो मैं किचन से बाहर ना जाऊँ। पता भी नहीं चलता है, एक सेकंड के अंदर ध्यान हटता है और आपकी चीज हल्की सी नीचे से लग जाती है और जो आपकी सारी मेहनत होती है वो वेस्ट हो जाती है। इसीलिए कुकिंग करने किचन में आती हूँ तो और भी सारे काम साइमल्टेनियसली करती रहती हूँ। मसाला मेरा भुन गया था और जो चने की दाल मैंने अलग से बॉईल करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। चने की दाल को ओवर डन बिल्कुल भी नहीं करना है, बॉईल करके अच्छे से सॉफ्ट जरूर करना है। इतनी अच्छे से सॉफ्ट होनी चाहिए कि जब आप खाएं तो आपको मेहनत ना करनी पड़े, मगर इतनी ज्यादा भी सॉफ्ट ना हो कि चमचा लाने में ही वो टूट जाए और सारी घुली मिली सी दाल हो जाए। जब भी आप ढाबा स्टाइल चने की दाल खाएंगे, किसी भी ढाबे पे जाके, उसमें कभी भी चने की दाल घुली मिली सी नहीं होती, साबुत ही चने की दाल दिख रही होती है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दिया था ताकि ये आपस में यकजान हो जाए सारी चीजें। दाल में मैंने डाल दिया है ऊपर से गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, एंड मैं ऑयल कम रखती हूँ तो मैंने ऑयल कम रखा है। आप लोग चाहें तो ऑयल ज्यादा रख दीजिएगा। और अब इसमें ये जाएगा धनिया पुदीना और हरी मिर्च, और बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें सूखी मेथी भी डालूंगी, थोड़ी सी। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी ताकि ये सारे अरोमास इसके अंदर इन्फ्यूज हो जाएं और हमारी ढाबा स्टाइल चने की दाल तैयार हो जाएगी। और ये है जी फाइनल लुक मेरी चने की दाल जो मैंने ढाबा स्टाइल बनाई है। अच्छा, इसमें मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, तभी इतना खूबसूरत कलर आता है जो दाल का अपना होता है। हल्दी डालने से वो पीली थोड़ी ज्यादा हो जाती है, आप लोगों की मर्जी है डालना चाहें तो डालें। और चने की दाल के साथ सिरके वाली प्याज का अपना ही एक अलग कॉम्बिनेशन है, तो मैंने वो भी बना ली थी। साथ में हस्बैंड लेकर आ गए थे ये बाहर से गरम गरम नान। यहाँ पे मेरे घर के पास एक तंदूर है जहाँ से हमें ये नान मिल जाते हैं। पाकिस्तान वाले नानों वाली कोई बात नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र एटलीस्ट कुछ तो है खाने के लिए। ये था मेरा आज का सिंपल सा डिनर। और पीछे जो सब्जियां रखी है मैंने अभी उनको भी काटना है, बट आई थिंक ये काम मैं अब कल करूंगी। तब तक के लिए आप लोग आज के व्लॉग को एंजॉय करें, कुछ पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।